मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित बृहद सिंचाई परियोजना अंतर्गत छोटी महानदी पर प्रस्तावित डैम बनाए जाने को लेकर 15 ग्राम पंचायत विरोध कर रही है। बता दें, कटनी और उमरिया के बिलासपुर से करीब 22 से 25 ग्राम पंचायतों को विस्थापित किया जाएगा, जिसमें कटनी ढीमरखेड़ा के 3050 परिवार शासकीय दस्तावेजों में दर्ज हैं। इसके अलावा कटनी जिले का ढीमरखेड़ा जो बड़वारा विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहां 80% लोग निवासरत हैं, जो शासकीय भूमि पर काबिज हैं और जहां खेती और अपने आशियाना बनाकर जीवन बसर करते हैं, ये सभी शासकीय रिकॉर्ड से भी अछूते हैं, जिससे इन्हें कहीं कोई हर्जाना मुआवजा नहीं मिलने वाला है। उन्हें बृहद सिंचाई परियोजना अंतर्गत छोटी महानदी पर प्रस्तावित डैम बनाने को लेकर बेघर किया जा रहा है। इसके विरोध में स्थानीय जनों ने विरोध प्रदर्शन किया, राजनेता हरकत में आए। स्थानीय सांसद हिमाद्री सिंह का पत्र भी सामने आया, जिसमें मुख्यमंत्री से प्रस्तावित डैम को निरस्त करने की बात कही। वहीं बड़वारा विधायक ने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। हम भाई तुमसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, जो तोहफा दे रहे हो भैया हमको न चाहिए, हम गरीब हैं, हम अपने बल से जी खा रहे हैं, इसलिए हम हाथ जोड़ के विनती है, हम इस जगह के नहीं छोड़ेंगे, इस जगह से नहीं जाएंगे, हमारी जमीन है। हम मराइया न छड़ाओ, हम कहाँ जाब, हमार मराइया न छड़ाओ, हम तुम्हें से जी थे, तुम्हें जगह जमीन दा, तुम्हें से हम चली थे, हम कहाँ जाब, हम बनने से हमारे घर द्वार डूब जाएगा। आप क्या चाहते हैं? हम नहीं बनना चाहते, नहीं बनना देते। महानदी पर जल संसाधन विभाग द्वारा बृहद सिंचाई योजना के तहत एक बहुत बड़ा डैम बनाया जा रहा है, जिसकी जद में तकरीबन 14 गांव जो नाम उन्होंने अंकित किया है, इसके अलावा भी 30-40 छोटे छोटे गांव हैं जिनको उसमें उल्लेख नहीं किया गया है, वो उसकी जद में आ रहे हैं। और इसलिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि हमारे जो गरीब लोग हैं, जो इसमें पल रहे हैं, रह रहे हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे। और यहाँ 50% से 80% तक आदिवासी हरिजन यहाँ निवास कर रहे हैं और सब अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जब हम लोगों ने इसकी जानकारी सुनी, इस प्रकार की स्थिति, यहाँ डैम बनने की स्थिति है, तालाब बहुत भारी डैम बनने की स्थिति है, हम लोगों ने इसकी कार्रवाई तहसीलदार महोदय जी को, SDM साहब को और अपने ग्रामीण नेताओं को दी, जैसे बसंत भैया हैं और अजय गौटिया जी को दी। SDM साहब भी यहाँ आई और उन्होंने हमें संबोधित किया कि देखते हैं जहाँ जैसा होगा तो इसकी तहकीकात हम करेंगे।